ऑपरेशन रोमियो और मोरल पुलिसिंग, ये जो वर्ड है इसको यही लोग एक्सप्लेन करेंगे जो इनका शिकार हुए हैं। तो ये जो ऑपरेशन रोमियो है क्या है सिद्धांत सवेदी का, और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ नीरज सर खुद है यहाँ पर। तो मॉरल पुलिसिंग के ऊपर फिल्म है ऑब्वियसली, सॉरी मॉरल पुलिसिंग के ऊपर फिल्म है एंड हर फिल्म का एक मैसेज होता है, तो इसमें भी है जो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट आप ट्रेलर में जो देख रहे हैं वो उससे जो समझ में आ रहा है वो भी काफ़ी है फील। जब ये स्टोरी मैंने पहली बार मेरे पास आई थी, सो मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि जब आप एक कैरेक्टर के बारे में सुनते हैं तो आप आई फेल्ट अ लॉट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स दिस पर्सन हु आई प्लेड एंड दैट वाज माय अप्रोच एंड आल्सो आई फेल्ट दैट अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो चेन ऑफ इवेंट्स जो फिल्म में हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मॉरल पुलिसिंग, इट इज़ पेनफुल टू गो थ्रू इट, इट इज़ लाइक अ ट्रामा दैट स्टेज विद अ पर्सन, जिसके बारे और इसके बारे में लोग बात भी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है। सो आई थिंक जब आप कोई चीज़ ऐसी अपने अंदर रखते हैं और किसी से शेयर नहीं कर पाते, इट लॉग्स यू और आपके डिसीजंस, हर चीज़ वो पेन डिसाइड करती है। सो अब मैं बोलते रहूँगा तो बहुत कुछ रिवील कर दूँगा, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। या वेदिका, मॉरल पुलिसिंग ऐसा एक फिनोमिनन है जो हर एक के साथ होता है एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू नो एक लड़का लड़की गाड़ी में बैठे और कोई उन्हें छेड़ने आ जाता है। इट्स एवरीथिंग फ्रॉम यू नो ये क्यों पहना है टू ये क्यों कहा है, एंड दैट्स समथिंग दैट हम सब ने झेला है अपनी लाइफ में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एट इट्स हार्ट। और हाँ, हमने बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है, प्लीज़ जाकर देखना। नीरज सर है यहाँ पे। इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। हमारा मानना ये है कि मतलब सब हर कोई किसी न किसी स्टेज पर इस ऐसे किसी इंसिडेंट से गुजरा हुआ होता है, हम बात नहीं करते हैं उसके बारे में। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि इस टॉपिक पर कोई फिल्म बनी नहीं थी, तो नेचुरली एक नया सब्जेक्ट था एंड वी फेल दैट दिस नीड्स टू बी टोल्ड। तो कितना डराया है शरद ने आपको यहाँ पर? शरद ने कितना डरा? बहुत ही ज़्यादा। आपने आवाज़ सुनी उनकी? वही काफ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव सच एक्टर्स। उनके साथ जब सीन्स होते हैं इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प मी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फिल्म के दौरान मैं अपनी धुन में ही था एंड इट दिस कैरेक्टर रिक्वायर्ड मी टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, बट देन डूइंग सीन्स विद शरद, विद भूमिका मैम, किशोर सर एंड वेदिका, आई फेल्ट सो मच मोर देन आई थॉट आई वुड, सो इट वॉज अ ब्लेसिंग। जैसे एक इंसिडेंट है मुझे याद है कि शरद ने, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो मुझे थप्पड़ मारता है, तो मैं अपनी धुन में था और मैं शरद को बोल रहा हूँ शरद मुझे मार देना सीन में असली में, तो बोल रहा मैं नहीं मारूंगा। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ मार देना, ऐसे मैं नहीं मारूंगा। आई सेड, तो मैंने फोर्स किया पर उसने नहीं मारा, पर एक याद है एक शॉट था जिसमें हल्का सा ऐसे लगा और मेरा स्लो मोशन में ना ऐसे 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 राइट की तरफ गया, तो जब जाते जाते फिर मैंने उसका हाथ मिलाया, तो मैंने कुछ समझ में आया उसका हाथ और आवाज़ दोनों बहुत भारी है। उसको थैंक यू बोला, थैंक यू यार नहीं मारने के लिए। वेदिका, हाँ जी, कोई इंसिडेंट कोई ऐसा जो शूट के दौरान याद आता? बहुत ही सारे इंसिडेंट्स थे आई थिंक, बिकॉज जो मेरा रोल था ये फिल्म में आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे ज़्यादातर रिएक्शंस है, क्या हो रहा है उनके रिएक्शंस, वो रातों रात क्या हुआ था, एंड वो करने के लिए ना बहुत ही डूबना पड़ता है वो इमोशंस में, वो फीलिंग्स में, और बहुत ही इंटेंस, बहुत डार्क, बहुत ही अनकंफर्टेबल सा महसूस करना पड़ा थ्रू आउट दैट जर्नी। तो वो तो किया है मैंने। आई थिंक वर्किंग विथ एक्टर्स लाइक शरद सर एंड किशोर सर मेड इट मच ईजियर बिकॉज दे इंस्टिल्ड दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन मी ऑल्सो। इंसिडेंट बहुत ही थे या एक रात मैं रो रो के इतना पागल हो गई थी कि सुबह मैं घर पहुंची तो यू नो अपने मम्मी पापा के बीच में जाकर सो गई थी। या बट इट वॉज अ वेरी 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 wholesome experience. I learned a lot. I got a lot of guidance from all the people that I was working with. क्या कहेंगे दोनों के लिए? Proud of them. सबसे पहली बात तो वो we knew what they were capable of. इनके auditions जब हम लोगों ने देखे थे और हमारी जो उम्मीदें थे उनसे बेहतर काम किया इन लोगों ने. So looking forward to the film's response and looking forward to their bright careers.
ऑपरेशन इस जो यहाँ पर बैठे हैं शरद शरद के लिए आई थिंक हिज बेस्ट इज येट टू कम एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ हिज करियर नाउ कमिंग अप वेयर ही विल डू वर्क दैट्स नॉट ओनली No, it's. I think it's going to be an interesting road ahead for him. आपने कई हिट फिल्में दी हैं और इस बार जो है ऑपरेशन रोमियो कितने दिल के करीब रही है आपके ये बहुत दिल के करीब है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है एंड वी आर कमिंग आउट ऑन द 22nd हमेशा की तरह वी आर वेटिंग फॉर द ऑडियंसेस रिएक्शन टू टेल अस व्हाट वी हैव डन वेदर वी बीन एबल टू अचीव जैसे कि जर्सी भी उसी दिन रिलीज होने वाली है तो क्या लग रहा है कैसे टक्कर होने वाली है नहीं बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट आई एम हैप्पी दैट दे हैव कम दे हैव मूव्ड फ्रॉम देयर डेट 14th was not a good date for that film and I'm happy that they've come and so all these films can coexist they can have their share of the pie and audiences will be spoiled for choice ki bhai ye dekhen ki wo dekhen ki sab dekhen hum ummeed karte hain hamari bhi dekhen and yeah all the best to all of them kya kehna chahenge aap kiske bare mein acha mujhe laga jersey ke baare closing हमने बहुत ही ईमानदारी और बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है एंड मेरी उम्मीद है कि आप सब जाएं और देखें और यू सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू 22nd April या आई वुड से कहानियाँ बहुत अहमियत रखती हैं हमारी लाइफ में इसीलिए शायद सिनेमा बनता है ये चलती फिरती कहानियाँ हैं जो हम जीते हैं साथ में और प्लीज़ आप थिएटर आइए और ये कहानी हमारे साथ में एक्सपीरियंस कीजिए इट विल बी आई फील इट विल बी मच मोर देन just an escape or entertainment this film will stay with you thank you and all the best thank you